मेरे पास भी नहीं आता। ओए ओए मेरे पास भी आ गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? जस्ट उम्मीद करता हूँ आप सभी जस्ट ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों हमारी जो सील पट्ठे और पट्ठियाँ हैं ना, तो ये हमारी सील पट्ठियाँ हैं जो हमारी मुर्गियाँ वगैरह भी तैयार हो रही हैं। तो ये देखें, ये देखो, ये सील पट्ठी तैयार हो रही है, पर वगैरह नहीं है ये। आराम से, ओए आराम से, आराम से। दोस्तों ये देखें इनकी पूंछें वगैरह, ये पूंछें वगैरह इनकी, इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है, किसी की भी नहीं है। ये एक मसला बन गया, ये एक दूसरे के पर वगैरह खाते हैं। अब देखें किसी की भी पूंछल वगैरह नहीं है, ये देखें इसकी भी नहीं है और इसकी भी नहीं है, इसकी भी नहीं है। दोस्तों ये मसला है कि ये इन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना दोस्तों, इन्हें इतनी ज़्यादा भूख लगती है फिर भी ये ना एक दूसरों के ना पर वगैरह खा रहे हैं, पूंछले वगैरह। क्यों खा रहे हैं है ना फिदान? पता नहीं किस लिए खा रहे हैं, अब समझ में नहीं। दोस्तों हम दाना वगैरह डालते भी हैं, दाना वगैरह डालते भी हैं फिर भी है ना, दाना वगैरह डालते हैं फिर भी समझ नहीं आ रही क्या। दोस्तों ये देखें इसकी हालत भी देखें और इसकी हालत देखें भाई, इनको भाई अलहदा अलहदा रखना पड़ेगा। इतने ज़्यादा केज कैसे बनवाओ, इतने ज़्यादा केज बने भी हुए हैं फिर भी नया से नया मतलब बन जाता है। दोस्तों अब इनका कोई जुगाड़ वगैरह लगाना पड़ेगा, आपको कोई पता है तो बता दें कि जो ये जो पर वगैरह खाते हैं इनका इलाज होता है मुर्गियों का। मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों हमारे जो लक्के कबूतर हैं ना कम हो गए हैं, तो आप सोच रहे होंगे कम क्यों हुए हैं, तो मैंने इनमें से सिर्फ दो निकाल के ना अलहदा केज में रखे हैं। केज बाहर लिया, बाहर लक्का कबूतर का जो पेयर है ना अलहदा बंद किया पेयर लगाने के लिए, ये वाला, हाँ ये वाला बाहर उठा के, हाँ इधर रख दो इधर। दोस्तों ये इसका पेयर वगैरह, इनका पेयर वगैरह लगाना है ना, इस वजह से मेरे पास फीमेल रेड टेल वाली मिल नहीं रही थी। मैंने कहा ये ब्लैक टेल वाला, ब्लैक जो है ना टेल वाला और रेड टेल वाला, ये फीमेल है और ये ब्लैक टेल वाला मेल है, तो इनका पेयर वगैरह लगा दिया मैंने। अब जब पेयर वगैरह लग जाएगा तो अंडे जल्दी से दे देंगे। और डब्स भी दोस्तों बाहर आ गई हैं, तो हवा वगैरह लगवा लेते हैं। इन्हें मैं कमरे में रात को बंद करता हूँ, रात को काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाती है। तो हमारा लक्का कबूतर जो है ना बीमार वाला, वो अभी तक ठीक नहीं हुआ, ये देखें बीमार ही है। मेडिसिन वगैरह दे रहा हूँ, इसकी ट्रीटमेंट वगैरह चल रही है, तो अब दुआ करें बस ठीक हो जाए। एक मस्ती करना स्टार्ट कर दिए मेल ने, ये देखें ब्लैक टेल वाला मेल है और रेड टेल वाली फीमेल। अब दोस्तों इनका जल्दी से पेयर वगैरह लग जाए, बस आप दुआ करें कि जल्दी से ये अंडे वगैरह दे दें। दोस्तों हमारे ये मिंकू है ना काफ़ी ज़्यादा शोर करता है, समझ नहीं आ रही कि इसका क्या करें, शोर काफ़ी डालते हैं हमसाए जो हमारे हैं ना, काफ़ी ज़्यादा तंग होते हैं इसकी आवाज़ से। दोस्तों हम सुल्तान को भी बाहर निकाल देते हैं। आज बाहर आज 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 दोस्तों ये भी सुबह से बांधना है, तो जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तो फिर हमारा ये मुर्गा जो है जैसे बोलने लग पड़ता है, इन्हें मैंने बाहर निकाल दिया। दोस्तों जो इनके लिए ना नेस्ट वगैरह रखते हैं, जो जिससे ये घोंसला वगैरह बनाएंगे डब्स, तो इनके लिए ना नेस्ट रखते हैं जिससे ये अपना घोंसला बनाएंगे, तो अंडे वगैरह देने इन्होंने देने हैं मुझे लग इस तरह है। नेस्ट ले आओ या ले आओ। दोस्तों हमारे मेरे घर में बहुत ज़्यादा ना सिरकी पड़ी हुई है जिससे नेस्ट बनता है, मैंने बोरा भर के रखा हुआ है सामने ही, वो सामने पड़ा हुआ है, फिलहाल लेके आ रहा है। इतना बहुत, ये तो बहुत काफ़ी ज़्यादा है, ले आओ कुछ नहीं, ठीक है इतना इतना काफ़ी है यार, ये तो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो जाएगा, नहीं ठीक है बस। टोकरी में थोड़ा सा रखना, अंदर रख दो थोड़ा सा, ये इतना बहुत है। इस तरह अपना घोंसला बना लेंगे, उठा उठा के ना खुद ही बना लेंगे घोंसला, बंद कर देते हैं उड़ ना जाए। दोस्तों इनके लिए नेस्ट वगैरह रख दिया ताकि ये उठा उठा के इन्होंने खुद ही घोंसला वगैरह बना लेना, फिर अंडे दे देंगे। तो रख देते हैं अपनी तरफ से, तो पूरी कोशिश कर देते हैं, अब अंडे देंगे तो देंगे नहीं तो ना सी। दोस्तों इनका ना रोटी का टाइम हो गया है, इनको दाना वगैरह डालने का, तो इनको भिगोई हुई रोटी रखी हुई है मैंने, इनको सबको रोटियाँ वगैरह डालता हूँ। कभी बार बार कमरे में जा रहे, आज मैंने कमरे की सफाई वगैरह की, अब कल सेटअप की सफाई वगैरह करूँगा, तो कल इंशाल्लाह से सारी सेटअप की सफाई करूँगा। तो छत हमारी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है, बड़ा सर इसका क्या करना, इसका तो ट्रेन भी नहीं हो रहा यार, ये इसे मैं पूरी कोशिश कर तो रहा हूँ लेकिन अब क्या करें, बाहर निकालते हैं, मेरे पास भी नहीं आता। ओए ओए मेरे पास भी आ गया, तेरे पास आएगा बुला, तू बुला, तेरे पास आएगा, तेरे पास नहीं आएगा।
दोस्तों इसकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, मुझे नहीं लगता ये ट्रेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लाओ देखो मैं भाई, आप अपने हाथ पे बैठाओ, पीछे लेके जाओ, मैं बुलाऊंगा मेरे पास आएगा। पीछे जाओ, पूछे दीवार पे बिठा दो, दीवार पे। हाँ छोड़ दो छोड़ दो, इसको इसे इधर बैठा दो। नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, अब आवाज नहीं सुन रहा। आएगा, जरूर आएगा, नहीं आएगा। दोस्तों ये इतना अच्छे से ट्रेन नहीं होगा क्योंकि चूजों ने, हमारे असली चूजों ने इन्हें मारा था ना। छोड़ दो आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा, छोड़ दो। देखते हैं उठ के जहीं कहीं जाएगा, जाता रहे। अब देखते हैं आएगा भी कि नहीं आएगा। ये कंफ्यूज हो गया इस वजह से। तो मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत किया लेकिन इसके बावजूद मुझे रिजल्ट किस तरह का मिला। तो अब ये इतनी मेहनत किया, मैंने कहा हार्ट का ट्रेन हो चुका इसकी। दोस्तों इसकी दुम वगैरह भी है ना, वो भी नहीं आई। चूजों ने ज़ख्मी हो गया था, आपने तो वीडियो में ये देखे दोस्तों, हाथ पे आके मेरे बैठ गया। ये देखें, किसी के भी हाथ पे आके बैठ जाता है। दोस्तों ये इतना अच्छे से ट्रेन भी नहीं होगा, तो इतना बड़ा हो गया। तो ये देखें, तो बस आप देखते हैं, बस पाला तो हुआ है जिसे मैंने नीचे ही रखा हुआ है, ऊपर कम ही लेके आता हूँ ताकि बस ट्रेन होना हुआ तो हो जाएगा। तो दोस्तों एक और बेबी पिजन उठाएंगे तो हैंड फीड पेड लगाएंगे। हाँ क्या क्या, ये सारे खा जाएंगे दोस्तों। हमारे गंदम के थैले भरे हुए हैं ना, तो ये देखें बोरा फाड़ फाड़ के ना इधर से खा रहे हैं। सारी गंदम खत्म कर दी, इधर से बोरा फाड़ा हुआ था, ये सुराख कर दिए देखो, है ना, ये वाला सुराख, ये तो भाई ख़त्म कर देंगे यार। दोस्तों जैसे मैं रोटियां वगैरह लेके आया हूँ, दोस्तों मेरे पीछे लग गए हैं, आप डाल दो, आप डाल दो। तो हमारा बेबी पिजन मुर्गियों के दरमियान ही फिर रहा है। ओए भाई आराम से डाल दिए, काफ़ी लड़ाई करेंगे। दोस्तों सामने मैंने एक चूजा बंद किया हुआ है, सारे भूखे लग रहे हैं। इसे इधर इसके नीचे मैंने एक चूजा बंद किया हुआ है, असील बाहर आ जाओ जल्दी से। देखो सुधीर भाई ये कैसे लड़ रहे हैं, देखो डाल दो जल्दी से। दोस्तों ये ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई वगैरह करते हैं खाते वक्त। और ये देखिए हमारा बेबी पिजन आ जा यार, तूने कभी भी बात नहीं सुननी भाई, वो आ गई हुई, आ गई हुई। दोस्तों ये बात सुनने लग पड़ा जब हम इसकी इंसल्ट कर रहे हैं, तो फिर भाई दोस्तों जल्दी से इन रोटियां वगैरह डालते हैं, अंधेरा होने ही लगा है। बस सबको दान, सभी को दाना वगैरह डालते हैं। दोस्तों ये हमारा अब क्या करें, अब आ जा बाबा, अब आएगा कि नहीं आएगा। इसे लग गई प्यास दोस्तों, इसे मैं पानी वगैरह पिलाता हूँ। आ जा यार, यार आ जा यार, आ जा। शुक्र है दोस्तों आ गया, आ जा। बात सुनने लग पड़ा है, मुझे लगता है ट्रेन हो जाएगा। तो आप सोचते होंगे कि ना मैं ना बेबी पिजन को पानी वगैरह और फीड, वैसे फीड वगैरह कैसे करवाता हूँ, मैं आपके सामने करवाता हूँ। आप मोबाइल पकड़ो, मैं आपके सामने दोस्तों इसे पानी वगैरह पिलाऊँगा। इंजेक्शन किधर गया, इंजेक्शन वो पड़ा यार, ले आओ ले आओ, इंजेक्शन उठा के ले आओ। दोस्तों मैं ना इस टीके से पानी भर के, तो टीके से भरी पानी भर के फिर मैं पीछे बेबी पीछे को पिलाता हूँ। पास ले आओ जल्दी, पास ले आओ। अजाने वगैरह शुरू हो गई, बंद कर दो। अजाने वगैरह स्टार्ट हो गई थी, तो अंधेरा मगरब होने के करीब ही है। तो दोस्तों मैं इसे, आपने देख लिया होगा पानी वगैरह किस तरह पिलाता हूँ, और दाना वगैरह सिर्फ इसका मैं मुँह खोल के, तो मुंह में दाना वगैरह डाल देता था तो खुद ही खा लेता था। इसी तरह मैंने इसे बड़ा किया है, तो आप भी इस तरह से बड़ा कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं मुकम्मल वीडियो बना दूंगा, लेकिन दोस्तों ये ना ट्रेन नहीं होगा क्योंकि इसके एक साइड से पर वगैरह ख़राब है। ये देखें इतने अच्छे से उड़ भी नहीं सकता, इस वजह से ना ये ट्रेन नहीं होगा अच्छे से। तो बस उड़ पाएगा थोड़ा बहुत, इतना अच्छे से ट्रेन नहीं होगा, लेकिन मेरे हाथ पे आके बैठ जाता है, डरता नहीं है लेकिन। तो दोस्तों मगरिब का टाइम होने वाला है, सबको जल्दी से मैं बंद करता हूँ, और इसे भी मैं इसके केज में छोड़ता हूँ। मैंने इसे अंदर बंद किया तो ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अब देखना, दोस्तों ये देखना आप कैसे बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये देखें
ये बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, बस ये बाहर निकालो भाई, सारा दिन मेरे कंधे पे बैठा रहता है। दोस्तों अंधेरा होने के करीब है, तो आज की वीडियो को हम यहीं बयान करते हैं। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर देना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।